हाँ, तो दादी जो है रेडियो में गाती थी, विद्यापति वगैरह घर पे भी गाती थी, घर पे रिहर्सल होता था ना। क्या गाती थी? विद्यापति गाने गाती थी। अब धुन याद है हमको, शब्द पूछोगे तो ये तो मिर्जापुर है, अभी अभी याद आएगा दादी को। ये फोक है शायद, जगदम्बा घर में दियरान बार अली हो, जगपारन घर में दियरान। संजो रुक जाओ, देखो कौन आया है। तबलची ऐसा था कि उसको रख दो तबला, फिर जाके देखो कौन आया, क्योंकि संजीव और किसी कामे के नहीं थे। बड़ा हमारे यहाँ जैसे होता है कि मीट कौन लाएगा, हाँ तो वो अरुण चाचा, उनको क्या पहचान अच्छी थी। हाँ, हमारे पापा को कह दो तो घंटा ला ही नहीं सकते कुछ ना, दोनों तीनों चाचा कोई नहीं, अरुण चाचा का काम स्कूटर उठा के आओ बैठो संजय। ये भी हुनर है, है? हाँ मीट, अरे हाँ हाँ, कैसे कटो कुछ नुस्खे। हाँ कैसे यार, नुस्खे तो वैसे वाला मेरा बिजनेस नहीं है कि नहीं नहीं, आप वो खरीदने के लिहाज से, ग्राहक के लिहाज से, ग्राहक के लिहाज से मुझे बेस्ट पोर्शन लगता है क्या बोलते हैं, रिब। रिब को हिंदी में कुछ बोलते हैं अभी, पसली वाला, पसली, हाँ पसलियाँ दे देना वो एक, जिनको कुछ लोग होते हैं जिनको हड्डी बाजी पसंद है। हाँ समझे, वो मटन सिर्फ इसलिए खाते हैं हड्डी बाजी, लगता है सारा मज्जा का रस चूस लेंगे। अच्छा ये तो मेरा बेटा मालूम डेढ़ डेढ़ किलो मटन खा जाता है भाई। हाँ हाँ ऐसे बताते हैं, दिखाओ डॉक्टर को। स्टेशन जाएंगे दोनों छोटे, अनिल चाचा या राजू चाचा। अच्छा चलो संजय। हाँ है ना, तो ये मतलब कैबिनेट पूरी बटी हुई थी है। हाँ हाँ, बड़े फैमिली में यही तो होता है, जो अब हम मिस करते हैं, ये भी एक संस्कार है कि आपको कोई भी चाचा, अगर मेरे बच्चे अभी यहाँ हैं और मेरा कोई अमित भाई जो है सबसे छोटा वाला आकर के मेरी बेटी को मारेगा तो बुरा लगेगा, लेकिन सब एक के साथ रहते हैं, कोनो चाचा किसी को भी लपड़ा जा दिए तैयार थे वाले। दादी जो है गुनगुनाती रहती थी, और सारी बुआ जो है कोरस। धीरे धीरे शादी हो गई तो शादी में दहेज में पान पराग से कीजिएगा, वो सब जो कहिएगा कर देंगे, लेकिन महीना में चार बार इनकी माँ गाना गाती हैं, इनको आना पड़ेगा कोरस के लिए। कोरस के लिए सबको पटना के आसपास ही विदा किया क्या? एक लखनऊ में थी। हाँ। दोनों लखनऊ में थी, कभी कभी इंदु दीदी रांची में होती थी, फिर आस ही पास मतलब ट्रेन अपना, अरे इंदु दीदी आ रहे हैं चलो संजय। बड़ा मजेदार माहौल था यार। हाँ सुन के अच्छा लग रहा है, सुन के अच्छा लग रहा। और मोटा चावल बनता था, उसना चावल हम लोग कहते हैं। हाँ। लेकिन जिस दिन कोई मेहमान आया ना, बासमती का महक जो है एकदम एकदम गमकता था, तब इज्जत थी, रिस्पेक्ट थी बासमती। आज तो कोई भी चावल मतलब आप बना लेते हैं, बासमती का था कटहल बन रहा है। मंगलवार को नहीं बनता था हमारे यहाँ नॉनवेज। अच्छा नॉनवेज में भी ना सिर्फ मटन और मछली, नो अंडा नो चिकन। अच्छा क्यों, वो नॉनवेज है वो मतलब वो वाला नॉनवेज है। हाँ मीट और मछली। तो मछली तो वैसे भी पानी का मखाना होता है, मखाना होता है, कई घरों में बड़ी शुभ भी मानी जाती है मछली। हम लोग की जिंदगी से मछली बड़ी रही, हमारे उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है ना उसमें मछली है, बोलते भी हैं दही मछली, दही मछली। तो पूरा घर जो था ना एक, अब होता क्या था कि भैया सुबह तो कपड़ा धोना है, ये करना है, वो करना है, सबका खाना वाना खिला के तीन साढ़े तीन चार बजे थोड़ा थोड़ा दादी झपकी वपकी ले ली, फिर वो पूजा वाले घर में गाना शुरू हो जाता था। जब गाना शुरू होता था जो चाचा होते थे वो भी आ जाते थे, कुछ लोगों तो चाचाओं को आदत ही पड़ गई थी तो अम्मा का रोज का है, अम्मा बोलते थे हम लोग उनको। अरे एक बड़ा बढ़िया टोन था, हमको कोई तंग करता मैं सबसे बड़ा पोता और अपनी दादी का लाडला मतलब। हाँ कभी कभी बारात उरात में जाते ना शादी वादी में, हाँ तो दादी अपना अंदर गा दीजिए ना कुछ गा दीजिए, तो शादी वादी के गाना उना गाती रहती थी शादी में,
और दादा एकदम हम काले हैं तो क्या हुआ, अपनी ही गाड़ी के पीछे दिल वाले हैं, और मैं वहाँ से चम्मच चुन खुद आ रहा हूँ, नहीं दादा सिगरेट पी रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, दो चम्मच था दिखाओ, अच्छा रख दो गाड़ी में, समझे किसी को बोलना मत हम सिगरेट पी रहे थे। हाँ दादा को सिगरेट पीते हुए हम ही पकड़ते थे, वो भी चोरी कर रहे हैं हम भी चोरी कर रहे हैं, दो चम्मच चुरा लाए समझे, कुछ और ले आते हैं, एक गिलास ले आते हैं, बड़े ढक्कन टन 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 टन, और पापा जी को पता चलता था तो बहुत कान के नीचे थे, ये क्या तरीका है, तुमको कोई अपने दावत पे बुलाया तुम उसका गिलास चुरा के ले आ रहे हो, और कुछ करना मत लाइफ में तुम। फिर हम दादा को देख लेते थे कि अब आपका भी खोल दूंगा भेद, तुरंत बात पलटिए आप, हाँ गाड़ी में पेट्रोल भरल था, हाँ ठीक है बात चेंज हो गया। तो इस तरह के फैमिली में ह्यूमर उमर जो है ना हमको सिखाओ मत, हम जो सीखना चाहते हैं हम सीख लेंगे। ये तुम मेरे चाचा जी को ना, अरुण चाचा को अगर पेशेंट से बात करते हुए देख लोगे ना, हंस हंस के मर जाओगे, हंस हंस के मर जाओगे, पेशेंट डॉक्टर का ये रिलेशन है। कैसा है मतलब, पेशेंट के साथ कुछ लोग नहीं आ जाते, क्या हुआ जी, अच्छा वो एक आदमी ऐसे हैं अच्छे डॉक्टर, अच्छी कमाई, डॉक्टर हैं तो कमाई, लेकिन जो उनका क्लिनिक आज भी वैसा ही है जो हम संभालते थे। अच्छा हाँ, हम उनके साथ भी रहे हुए महुआ में, जो हम संभालते थे वैसे ही क्लिनिक आज भी, अभी हम गए थे 2 महीने पहले, बैठे रहेंगे कुर्सी पर, अब तुमको लेके कोई आया है, तुम बीमार हो तो क्या हुआ है, तो तुम नहीं बोल रहे हो, बगल में जो लेके आए रास्ते में, बाप रे बाप, कभी कुआं पर कभी पैखाना में, कभी पैखाना में तो कहीं, अरे तू काल कुछ छो, तू ना बीमार छो ना, हम हंसू ना मारा ठीक से मुझे बीमारी को और बीमार बना रहा है गधा कहीं का। अच्छा वही हौंक देते थे, हौंक भी देते थे, छोड़ो यहाँ से तुम, समझे क्या खाते रात में, 4 गो लिट्टी, 2 गो और खा लेते, गला गई का, इस तरह की बातें ना। हाँ तो वो भी एक ह्यूमर आ रहा है आपके पास, इधर पिताजी के पास दूसरा ही चीज, लिखना पढ़ना उनकी राइटिंग, हमारे यहाँ कोई भी शादी या जनेऊ या कोई भी मुंडन हो पापा जी अपने हाथ से ही उनका लिखा हुआ कार्ड छपता है, उनका लिखा हुआ, ये नहीं कि प्रिंटिंग वाला लिखा हुआ, सुलेख था, सुंदर सुंदर लिखते थे, तो वो अलग ही गाँव। छोटे चाचा में जो सबसे छोटे चाचा थे मुझसे 5-6 साल बड़े थे, तो वो अलग गांव, तो तरह तरह के गांव को मिला करके एक छोटा सा मेट्रो बना।